कहते हैं ना कि पुरुष का भाग्य कब बदल सकता है ये कोई भी नहीं जानता। जी हाँ, ये बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने इस बुलंदियों को छूने के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफर तय किया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ये धोनी ही थे जिन्होंने अनहोनी को भी होनी कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि शुरू में धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और अपने कोच की सलाह पर वे क्रिकेट में आ गए। अपनी शानदार विकेट कीपिंग के जरिए उन्हें एक लोकल क्रिकेट क्लब कमांडो क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला, जहां वह 1995 से लेकर 1998 तक खेलते रहे। वीनू माकंड अंडर 16 चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार खेल दिखाया। उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा था। जल्द ही वे बिहार रणजी टीम का हिस्सा बन गए। 2001 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी की। हालांकि उनका असली सपना क्रिकेट में जाना ही था। बता दें कि उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया ए टीम में चुन लिया गया और वो त्रिकोणीय सीरीज खेलने केनिया गए, जहां पड़ोसी मुल्क की टीम भी आई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट में भी वे शानदार प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते 2004-05 में उन्हें बांग्लादेश जाने वाले टूर में शामिल कर लिया गया। अपने पहले ही मैच में वे दुर्भाग्य से शून्य पर रनआउट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के बल्ले की गूंज तब सुनाई दी जब अपने पांचवें ही मैच में उन्होंने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक ठोक के भारत को जीत दिला दी। अब धोनी यानी माही का नाम क्रिकेट प्रेमियों के बीच फैल गया। ग्रेग चैपल भारत का कोच बने और एक यंग टीम के गठन की शुरुआत हुई। धोनी यंग थे और उनकी बेहतरीन पारियों से वे इस यंग इंडिया टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। 2007 के विश्व कप में भारत सुपर 8 में भी जगह नहीं बना सका और बांग्लादेश और श्रीलंका से हार कर बाहर हो गया। ये भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे कठिन समय था। 2007 में ही T20 विश्व कप भी था। महेंद्र सिंह धोनी को इस विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया, जबकि धोनी ने यह विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद तो एक दिवसीय मैचों की कप्तानी भी धोनी को मिल गई। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को टेस्ट में नंबर 1 बना दिया और 2011 विश्व कप का विजेता भी बना दिया। इसके बाद भी धोनी मैच जीते और आज भी उसी अंदाज में क्रिकेट खेलते हुए इस देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स टेस्ट की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।